Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7, subject maths, unit 1st, sets, exercise 1.2, page number 7, question number 1, part 2nd, and my name is Rubin Aziz. Sets, part 2nd. Before starting exercise 1.2, first of all we discuss operation on set because our topic is operation on set of exercise 1.2. Operations set, we are discussing basic three operations. First one is union of two or more sets. Then second one is intersection of two or more sets, and the third one is difference of two sets. So first of all we discuss union of two sets. First of all we discussing union of two or more sets. If A and B are any two sets, यानी कि हमारे पास A and B कोई से two sets है, then the union of set A and set B consists of all elements in set A or in set B. यानी कि हमारे पास बेटा कोई से two sets है A and B. हम उन दोनों सेट्स का ए एंड बी का बेटा यूनियन लेंगे जो कि हमारे पास उन सारे एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करेगा जो कि ए एंड बी में होंगी. यानी कि यूनियन में बेटा हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं. अब इस सेट्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. ये हमारे पास जो कैपिटल यू होता है ये उसका सिंबल है यूनियन का, कि ए यूनियन बी. अब इसको बेटा आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. और देन आपने इसको क्लोज किया ब्रेसिस ब्रैकेट में. अब बेटा आप जरा एग्जाम्पल्स को देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हमारे पास यूनियन का. हमारे पास सेट A है 1, 2, 3. सेट B बेटा हमारे पास है 3, 4, 5. आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप A यूनियन B फाइंड आउट करें और B यूनियन A. यानी सबसे पहले आप A का सेट लिखोगे, फिर यूनियन का साइन बेटा आप पुट करोगे, देन B का. फिर सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे कि पहले B लिखोगे, B का सेट लिखोगे, देन आप लोग A का लिखोगे. चलिए बेटा यहाँ पे हम देखते हैं. सबसे पहले A यूनियन B है. हमने A का सेट लिखा, फिर हमने यूनियन का सिंबल डाला बेटा, फिर हमने B का सेट. अब यूनियन मींस मैंने आपसे कहा कि दोनों को कंबाइन करके, ये दोनों सेट्स को इकट्ठा करके आप लोग लिखोगे. वहाँ पे डेफिनेशन में बेटा हमने डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं करोगे. अब अगर आप यहाँ पर देख ले, मेरे पास सेट A में है 1, 2, 3, जबकि सेट B में भी मेरे पास 3 है, लेकिन हम 3 को जस्ट वन टाइम लिखेंगे. हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जब हम दोनों को हम कंबाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम अपने स्मॉलर वैल्यू से. इस वक्त स्मॉलर वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है. तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा 1 से. 1, 2, 3 and 4, 5. देखिए अब हमने यहाँ पे 3 को अगेन नहीं अपना अपनी राइटिंग में नहीं लिखना. देखिए हमने लिखा 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 को हमने बेटा रिपीट नहीं किया, जस्ट वन टाइम मैंने लिखा. ये मेरे पास A यूनियन B आ गया, यानी कि हमने दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख लिया. अब मेरे पास है उसका सेकेंड पार्ट B यूनियन E. तो ऑब्वियसली जो सेट मुझे दिया होगा पहले उसी को हम लिखेंगे. यहाँ पे B गिवन है, तो हमने पहले B का सेट लिखा 3, 4, 5, फिर हमने सिंबल डाला यूनियन का, फिर हमने A का सेट लिखा. अब इन दोनों को हम कंबाइन जब करेंगे बेटा यूनियन में, आप स्मॉलर डिजिट से स्टार्ट करोगे. तो अब हमारे पास स्मॉलर डिजिट चाहे यहाँ पे A में है, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. B हमारे पास 3, 4, 5 से स्टार्ट है. हम लिखेंगे 1, 2, 3, then 4, 5. यहाँ पे भी हमने रिपीटेशन नहीं की है अपने डिजिट्स की, तो ये हमारे पास यूनियन आ गया. अब आप इसका एग्जांपल नंबर 5 देख लें. यहाँ पे मेरे पास सेट A है, A B C वेरिएबल्स है मेरे पास, B मेरे पास बी सी डी ई है, और C मेरे पास है सी डी ई एफ जी. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, कि A यूनियन, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है B यूनियन C. जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले बेटा आप जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है उसी को सॉल्व करोगे. इस वक्त मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है B यूनियन C, तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले B यूनियन C को सॉल्व करूँगी. यहाँ पे हमने इसको दोबारा अगेन जो है रिपीट कर लिया क्वेश्चन को. सबसे पहले A का सेट लिखा, सिंबल हमने यूनियन का डाल लिया. देखिए अब हमने वहाँ पे जो ब्रैकेट गिवन थे, स्मॉलर ब्रैकेट गिवन था, हमने उसी ब्रैकेट को यूज़ किया. देन हमने सेट B लिखा, फिर हमने सेट C लिखा. अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप ब्रैकेट की जो अंदर है उसको सॉल्व करोगे. ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बी सी डी ई सी डी एफ, तो सबसे पहले हम जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, सी से स्टार्ट करें, सॉरी बी से हम स्टार्ट करेंगे. हम अपना आंसर लिखेंगे बी सी डी ई एफ जी, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम जाएं,
तो हम लिखेंगे बी सी डी ई एफ जी। देखिए बेटा अब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सी डी ई, लेकिन इसको हमने नहीं लिखा, हम जस्ट वन टाइम हमने लिख लिया बी सी डी ई एफ जी। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो होता है बी यूनियन सी, उसका आंसर मेरे पास आ गया। अब है ए, अब हमने इन दोनों को जो आंसर मेरे पास आया ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी का, उसको हम कंबाइन करेंगे सेट ए के साथ। तो सेट ए के साथ जब उन दोनों को हम कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखेंगे इसको हम, तो हम स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। ये हमारे पास उन दोनों सेट को कंबाइन करने से हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट। यूनियन में भी हमारे पास था कि यूनियन ऑफ टू और मोर सेट, इंटरसेक्शन में हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यानी कि उसी तरह से यूनियन की तरह बेटा कि ए एंड बी हमारे पास कोई से टू सेट्स हैं, देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, के हमारे पास सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा कि वो हमारे पास कंसिस्ट होगा ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स पे हमारे पास कंसिस्ट करेगा जो कि मेरे पास सेट ए एंड बी में कॉमन होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। देखिए बेटा यूनियन में हमने कहा कंबाइन करना, यानी कि दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा, इंटरसेक्शन उससे बिल्कुल चेंज। इंटरसेक्शन में हम कहते हैं कि दोनों सेट्स पे जो मेरे पास कॉमन होंगे यानी कि एक से होंगे उनको हम लिखेंगे, और इसको बेटा डिनोट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ई जो कि हमारे पास स्मॉल ए होता है, स्मॉल एन होता है, उससे हम डिनोट करेंगे। अब इसको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से हमने यूनियन में भी कहा था, लेकिन वहां पे हमने लिखा था ए यूनियन बी, बाकी इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जरा इसके एग्जाम्पल को बेटा आप देख ले, एग्जाम्पल नंबर सिक्स, हमने डेफिनेशन में कहा कि दोनों सेट्स में जो हमारे पास जो एक कॉमन हो, एक सेट है 1 2 3 4, बी है 3 4 5, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन ए, वहाँ पे हमने सबसे पहले ए यूनियन बी, देन बी हमने यूनियन ए। सबसे पहले बेटा ए का सेट गिवन है, हमने ए लिख लिया, फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन पुट किया, फिर हमने बी का सेट लिखा। अब इन दोनों बेटा हम कॉमन देखेंगे कि दोनों एक जैसे कौन से एलिमेंट्स मेरे पास हैं, ये है मेरे पास 1 2 3 4, इन 3 4 5, दैट्स मीन कि 3 और 4 आर कॉमन इन दीज टू सेट्स, 3 4 ए में भी है 3 4 बी में भी है, तो हमारे पास आंसर आया 3 4। अब बी इंटरसेक्शन बी, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बेटा अब आप बी का सेट लिखोगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, देन सेट ए, अब इन दोनों में कॉमन देख लिए तो वही हमारे पास कॉमन है, 3 4 सेट बी में है हमारे पास एंड 3 4 हमारे पास सेट ए में है, तो हमारे पास आंसर आया 3 4। अब एग्जाम्पल सेवन, सेट ए हमें गिवन है बेटा, बी गिवन है, इसके अब हमें 3 सेट्स गिवन है। अगर आपने यूनियन में भी देखा होगा वहाँ पे भी जब हम एग्जाम्पल 5 5th कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमारे पास 3 सेट्स गिवन थे, इससे किसके क्वेश्चन में भी हमारे पास था ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे साइन मेरे पास इंटरसेक्शन का है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसमें भी बेटा मैंने आपसे कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर पहले गिवन हो, यूनियन में मैंने आपसे ये बात की हुई है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है उसको सॉल्व करोगे, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को बेटा सॉल्व करेंगे, हमने पहले अपने सेट्स लिख लिए, हमने ब्रैकेट्स डाले ठीक है, ताकि बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास जो है उससे सेपरेट हो, क्वेश्चन में भी मुझे जो है ब्रैकेट्स डाल कर दिए हुए हैं। हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मार्कर से आप लोगों ने जब अच्छे लिए, मुझे इंशाल्लाह हम नोटबुक में करेंगे, उस वक्त हमने बी इंटरसेक्शन से लिए। अब इन दोनों सेट्स में जो मेरे पास कॉमन होंगे उन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे बी सी डी ई, यहाँ पे मेरे पास ये सी डी ई एफ जी, दैट्स मीन कि मेरे पास सी डी और ई, ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास बी में भी है और यही 3 एलिमेंट्स सी डी ई मेरे पास जो है सी में भी है बेटा, तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी जो कि ब्रैकेट के अंदर था उसका आंसर मेरे पास आए सी डी ई। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसका आंसर वही इसी तरह से बेटा हमने सेम टू सेम यूनियन में भी किया था, सबसे पहले हमने बी यूनियन सी को फाइंड आउट कर लिया था, फिर उसका आंसर और ए का आंसर उन दोनों को कंबाइन करके बेटा वो यूनियन था, हमने लिख लिया था ये इंटरसेक्शन है, तो ये ए का सेट मेरे पास है, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मेरे पास सी डी ई आया था। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देख ले तो मेरे पास है कॉमन जस्ट सी, आप देख ले ए बी सी
इन सी डी ई, दैट्स मीन के जस्ट सी वो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास आया सी. नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 1.1. सॉरी बेटा, एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लिए, फाइंड यूनियन एंड इट्स इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों जो है हमें ऑपरेशन इसमें गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, यूनियन भी गिवन है. फर्स्ट वन देख लिया पार्ट, मेरे पास ई बी, मैं बेटा इसमें आपको करवाऊंगी फर्स्ट वन पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये बेटा आप खुद करोगे एग्जैक्टली, ये सेम टू सेम जो है हमारे पास पार्ट फर्स्ट की तरह है. इवन बल्कि पार्ट फाइव भी मेरे पास पार्ट फर्स्ट की तरह है, लेकिन यहाँ भी मुझे जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. इस वजह से मैं आपको फिफ्थ वन पार्ट करवाऊँगी. क्लास वर्क की नोटबुक में स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज बेटा, पहले आप लोग लिखोगे एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 7, देन टॉपिक हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट. हमने टू ऑपरेशंस बेटा डिस्कस कर लिए, फर्स्ट वन यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, रिलेटेड आप लोग लिखोगे सेम टू सेम, इसी तरह से आप लिखोगे बेटा. देन एग्जांपल्स 4 and 5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे पार्ट्स आप करोगे. सेकेंड वन जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया इंटरसेक्शन का, बी इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स, रिलेटेड एग्जाम्पल 6, 7 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सारे पार्ट्स. अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सीरियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2, देन डेट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अभी हमने बुक से रीड किया हुआ था. फर्स्ट वन पार्ट मेरे पास है सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सेट बी मेरे पास 3, 4, 5. एग्जैक्टली हम बेटा एग्जांपल ही की तरह करेंगे, इसको सॉल्व हम करेंगे. सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन के बाद मस्ट भी आप रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन. अब हमने लिखा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सबसे पहले ए का सेट लिखा, सिंबल हमने डाला यूनियन का कैपिटल यू, देन बी का सेट हम लिखा. अब उन दोनों को जब हमने बेटा कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5. रिपीटिशन हो रही है बेटा एलिमेंट्स के, आप देख ले 3 और 4 के यहाँ पे भी है मेरे पास, लेकिन आपको पता है आप जस्ट वन टाइम लिखोगे, मैंने आपको बेटा एक्सप्लेनेशन में कह दिया था. अब उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम लिखेंगे इसी तरह से, इसी क्वेश्चन को बेटा आप फॉलो करोगे, जो बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे. तो आपने फर्स्ट वन के मेथड ही को फॉलो करना है, आपने एग्जैक्टली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसी तरीके से करने हैं. देन ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए आपने लिख लिया, अब सिंबल मेरे पास, साइन मेरे पास चेंज हो गया, अब हमने इंटरसेक्शन का साइन पुट किया हुआ है. देन 3, 4, 5 और इंटरसेक्शन मीन्स हमारे पास वही एक्सप्लेनेशन में भी हमने कहा था कि दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन हो. अब यहाँ पे आप देख ले मेरे पास कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, 3 and 4 मेरे पास सेट ए में भी है, 3 and 4 मेरे पास सेट बी में भी है. तो हमारे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का, मेरे पास आंसर बेटा है 3 and 4. देन आप लिखोगे सो पुट द कॉमा, देन अपने आंसर लिख लिए कि ए यून बी का आंसर बेटा मेरे पास क्या आया था, 1, 2, 3, 4 and 5. इंटरसेक्शन बी का बेटा आंसर मेरे पास क्या आया है, 3 and 4. अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें, इसके बाद आप लोग बेटा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. और अब मैं आपको बेटा करवा रही हूँ पार्ट नंबर 5. पार्ट सेकेंड अपने पहले बेटा पार्ट लिख लिया, अब सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद रिपीट करें. ए हमारे पास इज इक्वल सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये बेटा हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, इसको सबसे पहले बेटा आप जो है टेबुलर फॉर्म में लिखोगे. ए सेट मेरे पास क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बेटा लिख लोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेकेंड बी में क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर, यानी कि हम पॉजिटिव 5 इवन नंबर्स लिखेंगे. हमारे पास और कौन से बेटा पॉजिटिव इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10. ये हमने इसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख लिया. अब इसको सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था. सबसे पहले ए यूनियन बी, आपने ए का सेट लिखा 1, 2, 3, देन डॉट्स हमने पुट किए. फुल सेट आपकी अपनी मर्जी है बेटा, आप फुल सेट लिखते हो या जस्ट जो है आप डॉट्स पुट करते हो. देन आपने यूनियन का साइन लिखा बेटा सेकंड सेट बी,
2, 4, 6, 8 जो कि इवन नंबर्स थे, पॉजिटिव इवन नंबर्स थे हमारे पास 5। अब इन दोनों को हमने बेटा दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है। अब अगर आप देख लें जो फर्स्ट हमारे पास 10 नेशन नंबर्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसमें हमारे पास ये सारे नंबर्स भी आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 तो हमारे पास आंसर बेटा इसका आएगा ए एंड बी का वही 1, 2, 3 और हम डॉट पुट करके 10 यानी कि इसमें मेरे पास दोनों सेट्स आ गए, हमारे पास सारे एलिमेंट्स मेरे पास बेटा आ गए जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमारे पास है सेकेंड वन पार्ट उसी क्वेश्चन का ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरह से ए का सेट हमने लिखा, अब हमारे पास साइन इंटरसेक्शन का है, देन बी का सेट, दोनों में कॉमन अगर हम देखेंगे बेटा तो दोनों में कॉमन मेरे पास सारा का सारा सेट बी है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 बी में भी है, 2, 4, 6, 8, 10 मेरे पास ए में भी है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी के। अब उसी से आप 100 द कॉमा देन आंसर्स लिख लें, आंसर्स का मेरे पास आया था यूनियन का 1, 2, 3 एंड 10 और इंटरसेक्शन का आंसर मेरे पास बेटा 2, 4, 6, 8 एंड मेरे पास 10 देन ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन, दिस इज द एंड ऑफ यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकेंड एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।